हिना परवेज भट्ट ने पीटीआई का इल्जाम कबूल कर लिया। नून लीग और पीटीआई की खवातीन में फर्क क्या है और हिना परवेज भट्ट सियासत का हिस्सा क्यों बनी? रहनुमा मुस्लिम लीग ने सब बता दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और रुकन पंजाब असेंबली हिना परवेज भट्ट सोशल मीडिया पर काफी मुतहरिक रहती हैं, जो कि आए रोज अपने ट्वीट्स के जरिए तहरीके इंसाफ की जमात और चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान पर तनकीद का वार करने में एक मिनट भी गुरेज नहीं करती। हाल ही में एक निजी इंटरव्यू के दौरान हिना परवेज भट्ट ने दिलचस्प सवाल के जवाब दिए। पीटीआई और नून लीग की खवातीन के दरमियान फर्क के सवाल के जवाब में हिना परवेज भट्ट का कहना था कि पीटीआई की खवातीन सिर्फ इमरान खान साहब को खुश करने के लिए या चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अपनी जात तक पसंद करती हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई की खवातीन ना ही पाकिस्तान के बारे में सोचती हैं और ना ही पीटीआई के बारे में, वो सिर्फ इमरान खान की अना को सुकून पहुँचाने के लिए हर हद पार कर सकती है। बरयानी से मुतालिक सवाल के जवाब में हिना परवेज भट्ट का कहना था कि नून लीग वाले वैसे भी बरयानी पार्टी है, उन्हें फख्र है कि हम खाने पीने के शौकीन हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग ने पीटीआई के इल्जाम को कबूल करते हुए कहा कि हम बिरयानी पार्टी तो हैं, हम तो पीटीआई वालों को भी दावत देते हैं कि वो भी बिरयानी खाएं हमारे साथ। सोशल मीडिया पर तनकीद के सवाल पर हिना परवेज भट्ट का कहना था कि वो ज्यादा बातें दिल पर नहीं लेती और ना ही वो सोशल मीडिया के कमेंट्स पढ़ती हैं। अगर कोई दोस्त और फैमिली पर्सन उन्हें ट्वीट भेज भी दे तो तब भी वो उस पर कोई रद्द अमल नहीं देती। रहनुमा मुस्लिम लीग का कहना था कि सियासत में आने का मकसद सिर्फ खवातीन के राइट्स दिलवाना था। जिंदगी में खवातीन के लिए सब काम मुश्किल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल काम सियासत का है।